गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राजनागर। तो इस चैप्टर में अपन ने वर्षण कोष के बारे में हो गया, नरजनन तंत्र का वर्षण कोष कंप्लीट हो गया। वर्षण कोष के बाद वर्षण की अनुप्रस्थ काट हो गई, वर्षण का लंबवत काट हो गया। ये वाली पूरी चीज़ें अपने कंप्लीट होल स्ट्रक्चर उनका पूरा डिस्क्राइब देख लिया। तो उसके बाद जो अपना पॉइंट स्टार्ट होता है वो अधिवर्षण। अधिवर्षण की बात करें कि जो वर्षण होता है उस वर्षण के ऊपर, जो वर्षण होता है उस वर्षण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित, क्या अत्यधिक कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित नली का समान संरचना पाई जाती है। अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती है ना, वो अत्यधिक कुंडलित, आप ऐसे कह सकते हो, अत्यधिक कुंडलित नली का समान संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, अधिवर्षण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अधिवर्षण कहा जाता है। एपिडिडाइमिस मतलब अधिवर्षण, मतलब वर्षण के ऊपर पाई जाने वाली संरचना। वर्षण के ऊपर अत्यधिक कुंडलित जो संरचना पाई जाती है उसको अधिवर्षण कहा जाता है। जो अधिवर्षण होता है वो अत्यधिक कुंडलित है, साथ में जो वर्षण होता है अधिवर्षण, उसकी लंबाई 6 मीटर होती है। अधिवर्षण की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है। अधिवर्षण की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है। और ध्यान में रखना, जो अधिवर्षण होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है। अधिवर्षण 3 भागों में विभक्त होता है। पहला है केपुट एपिडिडाइमिस, केपुट एपिडिडाइमिस। सेकेंड है कोर्पस एपिडिडाइमिस, और थर्ड है कोडा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कौन से पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट है केपुट एपिडिडाइमिस, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कोर्पस एपिडिडाइमस, थर्ड पॉइंट हो जाएगा कोडा एपिडिडाइमस। कितने पॉइंट हो जाएंगे? 3 पॉइंट हो जाएंगे। जो केपुट एपिडिडाइमस है ये वर्षण के ऊपर, किसके ऊपर, या आप कह सकते हो केपुट एपिडिडाइमस वर्षण के ऊपर केप समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं। वर्षण के ऊपर केप समान संरचना के रूप में पाया जाता है, और ये भाग सर्वाधिक कुंडलित होता है। तीनों भागों में से ये वाला भाग सर्वाधिक कुंडलित होता है साथ साथ में, और इसमें वर्षण से आने वाली, और इस केपुट एपिडिडाइमिस में वर्षण से आने वाली, कहां से आने वाली, वर्षण से आने वाली वासा इफेरेंसिया खुलती है। कौन सी खुलती है? वासा इफेरेंसिया खुलती है। क्या खुलती है? 12 से 20 वासा इफेरेंसिया केपुट एपिडिडाइमिस में खुलती है। किसमें खुलती है? केपुट एपिडिडाइमिस में खुलती है। और केपुट एपिडिडाइमिस को, केपुट एपिडिडाइमस को ग्लोबस मेजर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोबस मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबस मेजर कहा जाता है। ध्यान में रखना, जो केपुट एपिडिडाइमस है उस केपुट एपिडिडाइमस को ग्लोबस मेजर कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है कोर्पस एपिडिडाइमिस। कोर्पस एपिडिडाइमिस क्या होता है? एपिडिडाइमिस का क्या होता है? मध्य भाग होता है, थोड़ा कम कुंडलित होता है,
क्या होता है, कम कुंडलित भाग होता है, और ये केपुट अधिवर्षण क्या होता है, अत्यधिक कुंडलित होता है। क्या होता है, अत्यधिक कुंडलित होता है। और कॉर्पस मध्य भाग होता है, मध्य कुंडलित, थोड़ा कम कुंडलित होता है, और साथ साथ में सकरा भाग होता है। कौन सा भाग होता है, सकरा भाग होता है, और साथ साथ में इसको ग्लोबस नॉर्मल कहा जाता है। इसको कॉर्पस एपिडिडाइमस को क्या बोला जाता है, ग्लोबस नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोबस नॉर्मल कहा जाता है। उसके बाद कोडा एपिडिडाइमस, ये अधिवर्षण का अंतिम भाग होता है, या कह सकते हो अंतिम भाग होता है, पश्च भाग होता है, तो ये अग्र भाग होता है, ये पश्च भाग होता है। साथ में आप कह सकते हो सबसे छोटा भाग होता है, कौन सा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है, और अत्यधिक कम कुंडलित होता है, या आप कह सकते हो बहुत कम कुंडलित होता है। क्या होता है, बहुत कम कुंडलित होता है। कौन सा होता है, बहुत कम कुंडलित होता है, और इसको बोला जाता है ग्लोबस माइनर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लोबस माइनर के नाम से जाना जाता है। क्या ना जाना जाता है, ग्लोबस माइनर के नाम से जाना जाता है। और ध्यान में रखना, यह भाग होता है ना जो गुबर्नेर कुलम होता है, गुबर्नेर कुलम की सहायता से ये जुड़ता है, वर्षण कोष से जुड़ता है। ध्यान में रखना, यह गुबर्नेर कुलम की सहायता से वर्षण कोष से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, वर्षण कोष से जुड़ा रहता है। और ध्यान में रखना, कोडा एपिडिडाइमिस वाले भाग से ही शुक्रवाहिनी उद्गमित होती है, उसका उद्गम होता है। क्या होता है, कोडा एपिडिडाइमिस वाले भाग से ही शुक्रवाहिनी उद्गमित होती है। आया क्लियर समझ में, तो आप कह सकते हो जो अधिवर्षण होता है तीन भागों में डिवाइड है, पश्च अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, अत्यधिक कुंडलित भाग, कम कुंडलित और बहुत कम कुंडलित भाग। एक को ग्लोबस मेजर बोला जा रहा है, ग्लोबस नॉर्मल बोला जा रहा है, और एक ग्लोबस माइनर बोला जा रहा है। दूसरी कंडीशन है कि जो टेस्टिस होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। टेस्टिस का जो मेन काम होता है कि यह शुक्राणुओं को कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक शुक्राणुओं का संग्रह करता है। क्या करता है, यह शुक्राणुओं को संग्रह कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक करता है। और साथ में यहाँ शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। क्या होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। दूसरी कंडीशन है, यह भी बोला जाता है कि जो वर्षण होता है ना, वर्षण प्लस अधिवर्षण को टेस्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। वर्षण मतलब टेस्टिस प्लस एपिडिडाइमिस को सम्मिलित रूप से टेस्टिकल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, टेस्टिकल के नाम से जाना जाता है। अब लिख लेते हैं अधिवर्षण के बारे में, थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो वर्षण के बारे में, के बाद जो अधिवर्षण है उसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन लिख लेते हैं कि अधिवर्षण क्या होता है। एपिडिडाइमिस में क्या लिखोगे, क्या होता है, वर्षण के भीतरी किनारों पर, वर्षण के भीतरी किनारों पर अत्यधिक कुंडलित नलिका द्वारा निर्मित
एक संरचना पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है जिसे जिसे अधिवर्षण कहा जाता है, जिसे अधिवर्षण कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वासा इपेरेंसिया, वासा इफेरेंसिया आगे चलकर अत्यधिक कुंडलित नली का समान, अत्यधिक कुंडलित नली का समान संरचना में खुलती है, अत्यधिक कुंडलित नलिका समान संरचना में खुलती है जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या बोला जाता है? एपिडिडाइमिस कहा जाता है। ध्यान में रखना, जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस ओल्फियन ओल्फियन कौन से नलिका? ओल्फियन नलिका का रूपांतरण है। ओल्फियन नलिका या भ्रूणी है, भ्रूणी है मीजोनेफ्रिक, भ्रूणी है मीजोनेफ्रिक कौन है? भ्रूणी है मीजोनेफ्रिक का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? भ्रूणीय मीजोनेफ्रिक का रूपांतरण है। आया को समझ में? अधिवर्षण अत्यधिक कुंडलित वर्षण अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है, अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है जिसकी लंबाई, अधिवर्षण अत्यधिक कुंडलित नलिका समान संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। फिर उसके बाद बात करें कि जो अधिवर्षण होता है ना, अधिवर्षण 3 भागों में विभक्त होता है, अधिवर्षण 3 भागों में विभक्त होता है या 3 भागों में विभाजित होता है। कौन? अधिवर्षण 3 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट है कैपुट एपिडिडाइमिस, कैपुट हो गया। सेकंड कौन सा है? पहले मैं काट देता हूं, एक साथ को लो, चार तीनों का कंपेयर कर देता हूं। 3 भागों में हो ही गया, पहला कौन सा हो जाएगा? कैपुट एपिडिडाइमिस कॉर्पस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और थर्ड हो जाएगा एपिडिडाइमिस।
आग कह सकते हो, यह इपिडिडाइमिस का अग्रभाग होता है। कौन सा भाग होता है? अग्रभाग होता है। ये कौन सा भाग होता है? मध्य भाग होता है। ये कैसा भाग होता है? यह पश्च भाग होता है। आगे बात करें, यह वर्षण के ऊपर, वर्षण के ऊपर केप समान, केप समान संरचना के रूप में, केप समान संरचना के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? केप समान संरचना के रूप में पाया जाता है। और साथ में आप कह सकते हो, और यह सर्वाधिक, यह सर्वाधिक कुंडलित भाग है। दूसरा कंडीशन है, इसमें 12 से 20 वासा इफेरेंसिया खुलती है। 12 से 20 वासा इफेरेंसिया खुलती है। साथ में इसे ग्लोबस मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबस मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भैया? ग्लोबस मेजर कहा जाएगा। उसके बाद कौन सा पॉइंट चलेगा? कॉर्पस इपिडिडाइमिस। जो कॉर्पस इपिडिडाइमिस है, ये इपिडिडाइमिस का कौन सा भाग है? मध्य भाग है। और ये क्या होता है? यह कम कुंडलित, और ये क्या होता है? कम कुंडलित भाग होता है। और ध्यान में रखना, तथा सकरा होता है, कम कुंडलित भी होता है और साथ में कैसा होता है? सकरा होता है। और ध्यान में रखना, इसे ग्लोबस नॉर्मल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्लोबस नॉर्मल कहा जाता है। दूसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन है कि ये पश्चिम भाग होता है। शास्त्र में क्या बोलते हैं? सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा व सबसे कम कुंडलित होता है। क्या होता है? सबसे कम कुंडलित होता है। क्या होता है भैया? सबसे कम कुंडलित होता है। और इसे इसे ग्लोबस माइनर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्लोबस माइनर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? ग्लोबस माइनर कहा जाता है। आगे देखते हैं कि यह गुबरने, गुबरने कुलम की सहायता से यह गुबरने कुलम की सहायता से वर्षण कोष से
वर्षण कोष से जुड़ा होता है। यह गुबर्नेकुलम की सहायता से वर्षण कोष से जुड़ा होता है। कहां तक जुड़ा होता है? वर्षण कोष से। फिर आप इसके बाद क्या होगा, जो कोडा एपिडिडाइमिस है ना, इस कोडा एपिडिडाइमिस से ही क्या होती है, शुक्रवाहिनी ओरिजिनेट होती, यहां से ही शुक्रवाहिनी क्या होती है, उद्गमित होती है। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं एपिडिडाइमिस के कार्य या अधिवर्षण के कार्य। एपिडिडाइमिस के कार्य या फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, मेन क्या काम करता है, यह एपिडिडाइमिस क्या करता है, यह शुक्राणुओं को, यह शुक्राणुओं को कुछ घंटों से, कुछ घंटों से लेकर, यह शुक्राणुओं को कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक यह शुक्राणुओं को कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक संग्रह करता है। क्या करता है भैया? संग्रह करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। और यहां पर शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन होता है। और यहां पर क्या होता है, शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन होता है। और यहां पर क्या होता है भैया, हो शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन होता है। और मैंने कंडीशन भी बोला था कि वर्षण प्लस, या इंग्लिश में बोल दो टेस्टिस व एपिडिडाइमिस दोनों को सम्मिलित रूप से टेस्टिकल कहा जाता है। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? टेस्टिकल कहा जाता है। अगला पॉइंट है अधिवर्षण के बाद शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस, क्या है वास डिफरेंस। आप ये कह सकते हो कि एक तो ये कोडा एपिडिडाइमिस से उद्गमित होती है। किससे उद्गमित होती है? कोडा एपिडिडाइमिस से उद्गमित होती है। और ये क्या करती है, जो मूत्रवाहिनी होती है मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर, यह मूत्रवाहिनी के साथ क्या बनाता है, अपने साइड का जो मूत्रवाहिनी होगी वहां फंदा बनाकर कहां पर खुलता है, शुक्राशय में जाकर के खुलता है। कहाँ ओपन होती है? शुक्राशय में जाकर के खुलता है, या शुक्राशय में जाकर के खुलती है। दूसरे टर्मिनोलॉजी आप कह सकते हो, इसकी जो लंबाई होती है, शुक्रवाहिनी की जो लंबाई होती है वो 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? शुक्रवाहिनी की जो लंबाई होती है वो 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। जो शुक्रवाहिनी की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? पेशीय होती है। शुक्रवाहिनी की भित्ति कैसी होती है?
शुक्रवाहिनी की भित्ति मतलब पेशी होती है और इस पेशी में क्या पाया जाता है, संकुचन व शिथिलन की क्षमता पाई जाती है और इस जो आप ये भी कह सकते हो जो शुक्रवाहिनी की भित्ति है जो वाल है वो पेशी होती है मस्कुलर होती है, आप इसमें कह सकते हो कि जो पेशी होती है उसमें संकुचन की व शिथिलन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संकुचन व शिथिलन की क्षमता पाई जाती है और इस संकुचन व शिथिलन की क्षमता के द्वारा ही संकुचन व शिथिलन की क्षमता के द्वारा ही क्या किया जाता है, संकुचन व शिथिलन की क्षमता के द्वारा ही शुक्राणुओं को कहाँ पर पहुंचाया जाता है, शुक्राशय तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि क्या होगा, संकुचन होगा शिथिलन होगा, संकुचन होगा शिथिलन होगा, ऐसे संकुचन और शिथिलन की वजह से क्या होगा, जो शुक्राणु बनेगा वर्षण में उस वर्षण से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, जो शुक्रवाहिनी होती इसके माध्यम से शुक्राशय तक पहुंचाया जाएगा। जो शुक्रवाहिनी होती है ना, शुक्रवाहिनी की जो कोशिकाएं होती है, शुक्रवाहिनी की जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होती है, ग्रंथिल कोशिकाएं होती है। शुक्रवाहिनी की जो कोशिकाएं होती है वो ग्रंथिल होती है, ग्रंथिल होती है तो क्या करती है, ये चिकने पदार्थों का स्त्रवण भी करती है। शुक्रवाहिनी की कोशिकाएं कैसी होती है, शुक्रवाहिनी जो होती है शुक्रवाहिनी में ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है, इनकी कोशिकाएं ग्रंथिल होती है जो किसका स्त्रवण करती है, चिकने पदार्थ का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, चिकने पदार्थ का स्त्रवण करती है। और ये द्रव क्या करता है, जो चिकना पदार्थ है ये शुक्राणुओं को गति में प्रदान, ये चिकना पदार्थ क्या करता है, ये आ रहा है दिख नहीं रहा ना यहाँ से, मैंने बोला कि ये कोशिकाएं कैसी होती है, ग्रंथिल होती है और क्या करती है, चिकने पदार्थ का स्त्रवण करती है। कौन से पदार्थ का स्त्रवण करती है, मैं डायरेक्ट और ऊपर लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ बोल दूँ कि जो शुक्रवाहिनी की कोशिकाएं ग्रंथिल होती है, ग्रंथिल होने के कारण क्या करेगी, चिकने पदार्थ का स्त्रवण करेगी। कौन से पदार्थ का स्त्रवण करेगी, चिकने पदार्थ का स्त्रवण करेगी। और ये चिकना पदार्थ क्या काम करेगा, जो शुक्राणु, ये चिकना पदार्थ क्या करेगा, शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में सहायता करेगा। क्या करेगा, शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में सहायता करेगा। क्या करेगा, शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा। आया कुछ समझ में, शुक्रवाहिनी में लिख लेते हैं, यह कोड़ा ईपी डी डायमिस, यह कोड़ा ईपी डी डायमिस से उद्गमित होकर कोड़ा इपीडिडाइमिस से उद्गमित होकर वर्षण नाल से अपने ओर की मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर किसमें खुलती है,
फंदा बनाकर शुक्राशय में खुलती है। किसमें खुलती है भैया? फंदा बनाकर शुक्राशय में खुलती है। उसके बाद बोलते हैं इसकी लंबाई 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। फिर अपन बात करते हैं कि जो शुक्रवाहिनी की जो भित्ति होती है, शुक्रवाहिनी की भित्ति कैसी होती है? शुक्रवाहिनी की भित्ति पेशीय होती है। कैसी होती है? शुक्रवाहिनी की भित्ति पेशीय होती है। और इसमें क्या होता है? और इसमें इस पेशी में क्या होता है? संकुचन व शिथिलन की क्या पाई जाती है? संकुचन व शिथिलन की क्षमता पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है? संकुचन व शिथिलन की क्षमता पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है? संकुचन व शिथिलन की क्षमता पाई जाती है, जिससे क्या होगा? और इस संकुचन व शिथिलन द्वारा और यह संकुचन व शिथिलन द्वारा ये क्या करती है? यह संकुचन व शिथिलन द्वारा शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है? शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाती है। किसके द्वारा? संकुचन व शिथिलन द्वारा शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाती है। आया कुछ समझ में? आगे देखते हैं, जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी में जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? शुक्रवाहिनी में ग्रंथिल कोशिकाएं होती है, या कोशिकाएं ग्रंथिल होती है, इसे कह सकते हो। शुक्रवाहिनी में ग्रंथिल कोशिकाएं होती है। कैसी होती है? ग्रंथिल कोशिकाएं होती है। और इन कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? इन कोशिकाओं द्वारा चिकने पदार्थ का स्त्रवण होता है। इन कोशिकाओं द्वारा चिकने पदार्थ का स्त्रवण होता है। कौन से पदार्थ का स्त्रवण होता है? चिकने पदार्थ का स्त्रवण होता है। और ये क्या करता है? यह द्रव या पदार्थ क्या करता है? शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में सहायक होता है। आया कुछ समझ में? करता है ना, शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में सहायक होता है।